आए तो देना, बच्चों को लेके आए। अच्छा बच्चे, हम बात ही कर रहे थे कि आपको ये चांस मिला और आपने इसको अवेल किया, सो आप उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन फैमिलीज के लिए जिनमें अभी भी अवेयरनेस नहीं है, आप कैसे उनमें अवेयरनेस प्रेजेंट करेंगे और क्या एफर्ट करेंगे, चाहे वो लाहौर का भी हो? आई मीन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी लाहौर में होगी जिनको नहीं आइडिया, आपके अपने एरिया में होगी, आप एग्जाम्पल से बात कीजिएगा जैसा आप पहले बता रहे थे। हमें सबसे पहले हमारे इलाके बहुत पसमान है, लेकिन मदद करें, सबसे पहले हमने वहाँ पर ये अवेयरनेस पैदा करना है कि यहाँ पर एक इदारा है लाहौर में जो मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है, कि वो अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल कराएं और अपने बच्चों की तरफ तालीम हासिल कराएं, क्योंकि हमारे इलाके में जितने भी बच्चे हैं वो तालीम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर उसके बाप जानते हैं, अगर मैंने उसको 10 तक तालीम उसको फराहम किया, 10 तक उसको पढ़वाया, फिर आगे तो हमारे इलाके में कोई कॉलेज नहीं है और जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा फीस मांगते हैं, इसलिए वो हमारे इलाके वाले बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं। वो शुरू से मतलब मजदूरी करते हैं, किसी दुकान को खोल देते हैं, किसी कोई खेतीबाड़ी करता है, इसलिए हमें सबसे पहले ये करना है कि उसके बाप को, ऐसे आदमियों को अवेयर करना है कि अपने बच्चों को अखोत में उसका एडमिशन करवाएँ, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी, पढ़ाई के बाद लाजमी नहीं की कि जी आप नौकरी ही करें, पढ़ाई के बाद आप अपना अगर इवन एन दुकान भी खोलनी है तो वो ज़्यादा बेटर वे से रन कर सकता है कंपेरेटिवली उस पर्सन के कि जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि उसने कस्टमर से डील कैसे करना है। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया, और डॉक्टर फौजिया अपना इंट्रो खुद करवाएंगी। ये है ना कि बहुत वेल नोन प्रोफेसर है। थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और तदरीस के शोबे से 23 साल से मुंसलिक हूँ, और हम चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी भी एक सरकारी इदारा है और वहाँ पर जो तालिबे इल्म आते हैं वो भी कोई बहुत ऐसे इलाकों से नहीं आते जहाँ पर के लोगों के पास बहुत पैसे हों, और तो मकसद ये है कि इवन ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके फी वाले मामलात की वजह से कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सरकारी इदारों के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही फ्री कर दें, या कुछ चीज़ों के लिए तो खर्चा फिर भी करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी इस हिसाब से खासी यूनिक है कि वो स्टूडेंट्स को तमाम तर सहूलियात और बेहतरीन किस्म की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और तालीमी निज़ाम है वो मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट क्रिसमस से। सो बेटे, आप मुझे ये बता सकते हो कि आपने बताया कि जी आपके इलाके में तालीम के इशूज और मतलब स्कूल्स के एक्सेस इतना नहीं है, तो ख़वातीन की तालीम के हवाले से वहाँ पर क्या सूरत हाल है? मैम, आपने ख़वातीन के बारे में कहा, हमारे इलाके में ख़वातीन के बारे में ये कहा जाता है कि ख़वातीन को सिर्फ घर तक महदूद करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान में ये शऊर पैदा ना हो कि ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा होकर फिर मर्द तरक्की कर सकता है, उसमें पहले मतलब ये चाहता हूँ कि इस लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मतलब सबसे पहले आप अपने बच्चों को तालीम करवाओ, अपने बच्चों को भी करवाओ, दोनों को एक बराबर तालीम करवाना चाहिए। हमारे इलाके में बच्चों को इल्मी तालीम दिया जाता है, मतलब दर्स तालीम जो होता है ना, दीन तालीम मदरसों में वो दिया जाता है लड़कियों को, लेकिन लड़कियों को स्कूल की तालीम देना वो अपने आप को मतलब कमतर समझते लोग। उसके लिए आप हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आई मीन डेफिनेटली आप इस इदारे में पढ़ रहे हो, डॉक्टर साहब के अम्ब्रेला में हो, आज
जिस तरह बहुत सारे लोगों से आपकी इंट्रोडक्शन आप इंट्रो हो रहे हैं और बात कर रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये शोर दिया जाए कि आप अपने बच्चों को खुद जैसे इदारों में तालीम के लिए एडमिशन करवाया जाए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको ये शोर दिया जाए। शोर सबसे अल्लाह तक जाए। एग्जैक्टली, उसके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जी ये जगह भी मौजूद है और सेफ है। यहाँ पर मैम हमें अलहमदिल्ला हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। हर मतलब कहते हैं ना कि मिस्टर 360 हमें अलहमदिल्ला मिस्टर 360 बना रहे हैं कि हमें हर एंगल में हम जिस फील्ड में जाए ना कोई जो कुछ बने हर फील्ड में हर किस्म के रुकावटों का मुकाबला कर सके। जो भी बन जाए जो कुछ बन जाए उसका जो भी गोल्स हो उसमें वो ऐसा बन जाए मतलब कि वो हर मतलब मुसीबतों का मुकाबला कर सके। और यहाँ पर एडमिशन लेना हो जिस बच्चे या बच्चियाँ तो नहीं मेरे हाथ से हैं वॉइस का भी है। लड़के और लड़कियों का जो है ना वो चकवा में तो उसके लिए एडमिशन के लिए क्या करना होता है, क्या क्राइटेरिया होता है? मैम जिस तरह हमारा क्राइटेरिया है ना मतलब ऑनलाइन अप्लाई भी है वो फॉर्म भी कर सकते हैं उसका भी इस तरह। और आप लोगों से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की जाते हैं? मेन डॉक्यूमेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे नाइन्थ क्लास के जो DMC है हमारा सर्टिफिकेट, उसके बाद एक फॉर्म होता है उसको पूरा कराना पड़ता है। इसमें सवालात पूछे जाते हैं कि आपका इसके काबिल हो या नहीं। इसके बाद जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं ना उसमें सारा मतलब क्राइटेरिया पूरा करवा के पूरा फॉर्म भर करवा के इसके बाद फिर एक मतलब फॉर्म आ जाता है ऑनलाइन। उसमें आपका नाम लिखा होगा, नंबर सब कुछ लिखा होता है। फिर आपको एक जगह जैसे कहा इसका इस जगह में आपका टेस्ट होगा। फिर टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर आपका एडमिशन। ओके डॉक्टर फौजिया, कोई और सवाल तो आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए? मैम इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि आप मतलब आप काबिल हो या नहीं हो इस इदारे में। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कहा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाओ इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद हमारा हॉबी क्या है, हमारा मकसद क्या है, आप खुद में क्यों बनना चाहते हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बड़ा होकर ये बनोगे फिर पाकिस्तान की खदमत करवाना चाहते हो। मतलब इंसान का माइंड सेट करवाता है हमारी जिनके तबीयत चांद सलाह कहता है। हमें ये मालूम होती है, हमें हमसे ये चीज़ें मतलब पूछे जा रहे हैं। हमारा माइंड सेट करवाता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बैठे हो कैसा हो और आपका मतलब आपके जहन में कोई ऐसा चीज़ है जो आप पाकिस्तान में करना चाहते हो, आपके साथ कोई कौन सा चीज़ बनना चाहते हो, मतलब आपका कोई ऐसा गोल तो नहीं है जो आप पाकिस्तान में इंसान बनना चाहते हो। उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि आपका मतलब बाप का जो तनख्वाह है और घर में कितने अफराद हैं, कितने अफराद नौकर हैं, कितने अफराद मुलाजिम हैं, इस तरह सवाल पूछा। तो आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरा जो मिशन है, मेरा जो मकसद है वो आर्मी चीफ। अच्छा आइडिया बता रहे हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान। वेरी गुड, एक आर्मी चीफ में क्या खसूसियात आप समझते होनी चाहिए, आप अपने बारे में बात करिए। हां मेरा निगाह मुलान सुहम ये समान है जिरा देजिन के पक्का होने से जीती खुदा। मैं थर्ड क्लास में था उस टाइम से मेरा ये मतलब मेरे जहन में ये आइडिया आ गया है कि मैं इंशाल्लाह आर्मी चीफ बन सकता हूँ। मेरा बचपन से शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत से मतलब मैंने मेजर के सामने बहुत से ऑफिसर के सामने मैंने उससे मुलाकात हुआ है उससे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके सामने स्पीच किया है उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत कॉन्टेक्ट है। अच्छा और हमें याद रखिए अभी आप यहाँ से क्या प्रोग्राम कर रहे? मैं अभी प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर नहीं। एक चीज़ जो ऑफकोर्स जाहिर है ऑनलाइन भी जाएगा ये प्रोग्राम, इट्स अबाउट द वे कि पाकिस्तान इट्स अबाउट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, नॉट ओनली फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट लाइक जैसे आप लोगों ने अभी इस बच्चे ने बात की, इससे बड़ी अच्छी बात की थी कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये सब कुछ रब का है और रब का जो है वो सबका है। इट्स अबाउट पाकिस्तान भी वो सबका है। तो इसको बेटा हम कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम को, आप लोग लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सब के लिए और हम सब से आप लोग क्या रिक्वायर करते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेक्टेशन,
इट्स अबाउट लाइक हमारी जिम्मेदारी भी है बीइंग पाकिस्तानी. हम दूसरों से कहते ना कि हम उसकी ये जिम्मेदारी है, आप लोगों के ख्याल से हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए. माशाल्लाह आप लोग ने बहुत, हम आपके बहुत मतलब वरदान है, आप हमारे बहुत वरदान हैं. आप लोग ने बहुत अच्छा किया कि हम गरीबों से मुलाकात किया, क्योंकि हम जब मिला के मरते ना तो लोग कहते हैं कि अमीर लोग ना किससे हाथ मिलाते हैं ना करते हैं कि ना करते हैं. मतलब ये बात अभी मैं ऑनलाइन आपसे हाथ मिलाती हूँ, कोई अमीर गरीब नहीं होता. नहीं नहीं, नहीं मैं अपना अपना आईडी नहीं सुन रहा, अपना आईडी नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं मैं आपको फरमाता है कि जिसको इज्जत अल्लाह ने दिया हो उसकी इज्जत आप भी करो. फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे वक्त को दादाने, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप यहाँ गरीबों से मिलने के लिए आए. आपने एक बात छुट्टी पे हमें नहीं कहना, हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है. इस प्रॉमिस के साथ ये रिकॉर्डेड जा रहा है कि जितने लोग मौजूद हैं वो सब ये कोई अहद करके जाए तो आप लोगों के लिए कुछ करना अपना फर्ज समझेंगे. और मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि मैं जो एच आई की बंदी हूँ, कैरियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया.